Hi guys, I'm Priyanka and welcome to my new vlog. So, आज का vlog है वो है trying every Patanjali food. So, come on, let's go. So, guys, आज के vlog में मैं try करने वाली हूँ बहुत सारे Patanjali food items जहाँ पे मैं try करूँगी बिस्कुट से लेके नमकीन तक, गुलाब जामुन से लेके नूडल्स तक के सारे Patanjali food products. ये देखिए यहाँ टेबल पे एकदम सजा धजा दिए हैं सारे के सारे प्रोडक्ट, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं. वीडियो के एंड में मुझे ज़रूर बताना कि आज के वीडियो में मैंने कितने पतंजलि प्रोडक्ट्स ट्राई करे. तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले पतंजलि की भुजिया से. वैसे तो अक्सर मैंने बीकाजी और हल्दीराम की भुजिया खाई है, तो चलो पतंजलि की भी भुजिया खा के देखते हैं कि भाई ऐसा क्या अनोखा जादू करा है इन्होंने इसके अंदर. आई तो वैसे कहीं जरा सी है, आधे से भी कम है पैकेट के अंदर, सिर्फ लगता हवा हवा ही भर देते हवा. अरे अरे बाबा, अभी गिरते गिरते बच्ची गए. ये देखो, ये दिखती तो वैसे सिमिलर ही है बीकाजी की भुजिया के जैसे, अभी खा के देखती हूँ कि कैसी है. ये बहुत ज़्यादा तीखी नहीं है जो बीकाजी की, वो बीकानेरी भुजिया खाते ना, वो जो उसके अंदर जो तिकाहट होती है ना, आय हाय हाय हाय, एकदम कातिलाना होता है चाय के साथ खाने में, वो मज़ा बहुत आती है. 10 रुपये में गाइस वैसे बुरी नहीं, बट इसमें स्वाद ना बीकाजी की भुजिया और हल्दीराम की भुजिया से काफ़ी काफ़ी कम है. अब ट्राई करते हैं इनकी एक और भुजिया गाइस, जिसमें बोलते गए मलाई सेब. मतलब मलाई सेब, सेब बनाते समय मलाई डाली थी क्या? 10 रुपये में मलाई डालेंगे? आपको क्या लगता है मुझे कमेंट में बताना कि मलाई इसमें होती है कि नहीं. ये वो पीली सेब दिखती थी और ये हल्की पीली दिखती है. मतलब मलाई डाल के क्या इसका रंग एकदम गोरा चिट्टा कर दिया क्या? वैसे ये सेब ना वो पुरानी वाली सेब से पतली ज़रूर है. गाइस ये तो एकदम ब्लैंड सी सेब है, लेकिन एक बात है सेब में, इसके अंदर स्वाद बहुत कम है, लेकिन इसकी जो कि जैसे आपका मन करता है ना कि एक बार आपने चिप्स का पैकेट खोला है तो बस खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ, वैसी ये सेब है. एक बार आप खाओगे ना मन करेगा खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ. ये गाइस है मूंग दाल, जो मुझे लगता है ये मुझे पड़ी ऐसे 5 रुपये की पड़ी गाइस. इतना छोटा नन्ना सा पैकेट मूंग दाल का है. पतंजलि के प्रोडक्ट्स में ना ये बात अच्छी है, छोटे 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 पैकेट बना दिए, सस्ते सस्ते, खाओ और खत्म करो, खाओ और खत्म करो, खाओ और खत्म करो. ये है इनकी मूंग दाल, जो गाइस मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ी सीमी सीमी सी निकल गई. अभी तो आपके सामने पैकेट काटा मैंने, सीमी तो नहीं है गाइस, पर ये ठीक है गाइस. इसको ना चाय के साथ खाने में बड़ा मजा आता है मुझे पर्सनली, मुझे और मेरी मम्मी को. सो गाइस नमकीन तो मैंने जो है सारी चटाचट खा के खत्म कर दी, और अब बारी है बिस्किट्स की. सो पतंजलि के यहाँ पे मैं गाइस लाई हूँ एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन तरीके के बिस्किट्स. सबसे पहले गाइस यहाँ पे है मेरे पास दूध बिस्किट, दूध बिस्किट. एंड गाइस ये मुझे पैकेट पड़ा है पूरे के पूरे सिर्फ और सिर्फ 5 रुपए का, एंड इसमें लिखा है 100% आटा. मतलब अभी तक तो ना जितने बिस्किट खाती रही हूँ ना मैं, वो ज्यादातर मैदे के होते हैं, आटा लिखते भी हैं तो भी 100% आटा नहीं होता है. और ये तो एकदम पार्ले जी जैसे दिख रहे गाइस, ये देखो हाय, इसके ऊपर भी लिखा है इन्होंने पतंजलि, क्या बात है. इसके साथ चाय होती ना तो मैं कर लेती डिप डिप डिप, जल्दी खा लो मिस, डिप डिप डिप, जल्दी खा लो मिस. तो चलो खा के देखते कैसा है. मुझे तो पार्ले जी से ज़्यादा अच्छा लगा, इन्होंने बोला दूध बिस्किट है. वाकई दूध का ना वो जो मिल्क पाउडर होता है ना उसका स्वाद इसके अंदर आ रहा है, और ये मैदे के नहीं गाइस, ये आटे के बने थोड़े 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 हेल्दी बिस्किट. अब गाइस जो नेक्स्ट बिस्किट है वो यहाँ पे मेरे पास है क्रीम फीस्ट का, ये है ऑरेंज फ्लेवर में, और ये है गाइस हाय 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 मेरा फेवरेट चॉकलेट फ्लेवर. एंड ये दोनों ही ना 5 रुपए के ही पड़े. तो चलो सबसे पहले मैं खोलूंगी मेरा फेवरेट चॉकलेट फ्लेवर. ये देखो इसके अंदर डली है चॉकलेट, आए ये जो चॉकलेट की गोलू 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 इसके अंदर है. बचपन में तो हम तो सारी चॉकलेट लिख करके ऐसे बंद कर दिया करते थे गाइस मिल्क के ऊपर, आज ऐसे नहीं करेंगे. भाई ये मुझे अच्छा नहीं लगा, ये मुझे थोड़ा आर्टिफिशियल सा बिस्किट लग रहा है, मतलब इसको खाने में मुझे ज़्यादा मज़ा नहीं आया. ऑलराइट ये देखिए गाइस एक क्रीम फीस्ट के ऑरेंज फ्लेवर के आटा बिस्किट निकल के आए हैं, तो देखते हैं इनको ये कैसे. ओह एकदम कलरफुल सी ऑरेंजी क्रीम लगाई है इन्होंने इसके अंदर. चॉकलेट के मुकाबले ये ऑरेंज वाला बिस्किट इज मच बेटर, बट अगर इन तीनों बिस्किट्स को मैं कंपेयर करूंगी तो मुझे ये दूध वाला बिस्किट सबसे बेस्ट लगा गाइस. सो गाइस अब बारी है पतंजलि की चॉकलेट्स ट्राई करने की, जिनको ये चॉकलेट के नाम से नहीं सेल करते. इनको बोला जाता है हर्बल हेल्दी फूड बार, या फिर प्रोटीन बार, या फिर यहाँ पे मेरे पास है गाइस इम्यूनिटी बार. तो मतलब ये तीनों बार जो है बड़ी नाम में तो ना हेल्दी 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 साउंड कर रही है, बट देखते खाने में ये अच्छी है
है या नहीं है। तो सबसे पहले गाइस मैं आपको दिखाऊंगी ये पतंजलि की इम्यूनिटी बार जो मुझे पड़ी है गाइस सिर्फ और सिर्फ 30 रुपए की। वैसे नाम इतना अच्छा है ना इम्यूनिटी बार कि ये देखते ही लोग अपने आप से ऐसे पिक 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 कर लेते होंगे काउंटर में से। इसके अंदर बना हुआ शहद और ये आटा और वीट भी इसके अंदर है, प्लस इसके अंदर इन्होंने रोल्ड ओट्स भी डाले। ये देखो, ओ माय गॉड, दिस लुक्स अमेजिंग। अंदर से काफी ड्राई है, मैं पहले आपको बता दूं क्योंकि उसके अंदर ओट्स पड़े हैं ना और शहद की मात्रा जो है काफी कम है क्योंकि ये बहुत ज्यादा मीठी बिल्कुल भी नहीं है। बट मुझे पता नहीं क्यों मुझे ये एक्चुअली अच्छी लग रही है। 30 रुपए में मुझे लगता है मैं अपनी अगर इम्यूनिटी बढ़ा सकती हूँ तो क्यों ना मैं यही इम्यूनिटी बार खाया करूँ। जो दूसरी बार मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो गाइस है ये हेल्थ फूड बार जो मुझे पड़ी पूरे के पूरे 30 रुपीज़ के हैं। एंड गाइस आप यकीन नहीं मानोगे इसके अंदर पता है बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स पड़े। इसके अंदर पिस्टैशियोज हैं, क्रैनबेरी है, आमंड है, फ्लैक्स सीड्स है, पम्पकिन सीड्स है और सफ़ेद म्यूसली और आंवला भी पड़ा। हाय, मतलब ये खा के तो मुझे लगता है मेरा पेट एकदम क्लियर 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 हो जाएगा क्योंकि आंवला पड़ा है। तो चलिए, ये बिल्कुल भी चॉकलेट कलर की नहीं है, ये हल्की सी ब्राउन ब्राउन कलर की है। इसके अंदर मुझे गाइस बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स सच में नजर आ रहे हैं, फ्लैक्स सीड्स, पम्पकिन सीड्स, पिस्टैशियो और बादाम तो मुझे आराम से इसके अंदर दिख जा रहे हैं गाइस। देखो पहली वाली ये जो ब्राउन वाली थी ना ये तो थोड़ी ड्राई सी थी, बट ये जो ड्राई फ्रूट की हेल्दी फूड बार है ना ये काफी स्टिकी सी है। बट क्योंकि इसके अंदर क्रैनबेरी पड़ी है ना तो वो जो मीठे के साथ खट्टा 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 स्वाद आता है ना वो मुझे पर्सनली बहुत 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 अच्छा लगा। मुझे तो यार ये 30 रुपए की बार सच्ची बहुत अच्छी लगी मुझे। अब मैं आपको दिखाऊंगी गाइस ये हर्बल प्रोटीन बार जो मुझे पड़ी है पूरे के पूरे 60 रुपीज़ के। और इसमें लिखा है वे प्रोटीन से बनी हुई है और इसके अंदर सोया प्रोटीन भी है, इसलिए शायद महंगी ज़्यादा है क्योंकि तो बड़ी डेलिकेट से लग रही है, चॉकलेट कलर की है और इसके अंदर भी मुझे कुछ कुछ नट्स तो नज़र ही आ रहे हैं। ये देखो तो बहुत टाइट चॉकलेट है, बहुत ज्यादा टाइट है, इनको चबाते चबाते ना आप थक जाओगे तो ये चॉकलेट आपकी खत्म नहीं होगी। ये जो प्रोटीन वाली बना देते ना उसमें ना खाने में बड़ी मशक्कत करने लगती है, ये मीठी भी बिल्कुल नहीं है। तो इन तीनों में ये वाली जो है ना हेल्थ फूड बार ये एक्चुअली सबसे अच्छी निकली क्योंकि इसमें ना क्रैनबेरी और बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स पड़े। चॉकलेट खाई है तो कैंडीज कैसे भूल सकते हैं। सो गाइस यहां पे मेरे पास है दो वैरायटी की पतंजलि की कैंडीज। तो ये देखो ये है इनकी किक, ओह किक, हाई किक, हाई किक लिखा, हाई किक तो ऐसे मारते हैं गाइस, इसको लगता खाते ही ना हाई किक आ जाएगी एकदम। ये तो कच्ची केरी की बनी है, पल्स वाली जो कैंडी आती है ना एकदम वैसी इन्होंने कॉपी कर दी। पतंजलि कॉपी करने में ना एकदम इसको मास्टरी हासिल है, हर चीज की कॉपी बना देता है। चलो अभी देखते हैं ये कैसी है। आई लाइक दिस क्योंकि इसके अंदर ना एकदम कच्ची केरी वाला हाय 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 पूरा का पूरा स्वाद आ रहा है, बहुत ही बढ़िया लगी है मुझे। पहले मैं अपनी टॉफी खत्म कर लूं उसके बाद आपको दिखाऊंगी ये जो कि मिंट कैंटी मेंथॉल और ये भी 1 रुपए में। मतलब एक तरफ पान खा लो एक तरफ मेंथॉल खा लो, इन दोनों को जब आप मिक्स कर दोगे तो कौन सा स्वाद बन के आएगा, सोच के बताना मुझे। दिस इज सो गुड, इतना जबरदस्त मेंथॉल का जो फ्लेवर आ रहा है, जो खुशबू आ रही ना कि ये खाते ही ना एकदम आप तरोताजा हो जाओगे। सो गाइस अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ पतंजलि का एक ऐसा प्रोडक्ट जो मैंने नहीं सोचा था कि पतंजलि बनाएगा, वो है गाइस ये दूध, वो भी काओ मिलकर टेट्रा पैक। अभी तक तो मैंने अमूल के टेट्रा पैक पिए हैं जो अक्सर भैंस के दूध में बनाए जाते हैं और जितने भी टेट्रा पैक आते हैं ना उसमें अक्सर भैंस का ही दूध होता है। हा? ये पहली बार देखा है टेट्रा पैक के अंदर काओ मिल्क अवेलेबल है। काओ मिल्क ये कंटेन करता है 3.5% फैट। तो चलिए पहले इसको हिलाते डुलाते क्या बात है। ये गाइस एकदम वैसे पतला दुबला दूध मुझे दिख नहीं रहा है, बहुत ही बढ़िया गजब का दिख रहा है ये दूध। वैसे ना मैं बताऊँ सबको पीना चाहिए दूध, पीने से हमारी हड्डियाँ और हमारा दिमाग तेज होता है और हड्डियाँ मजबूत होती है। दूध तो देखो अच्छा है पर थोड़ा सा पतला है क्योंकि मुझे अमूल का दूध पीने की आदत है ना, तो वो भैंस वाला दूध थोड़ा मोटा और हट्टा कट्टा होता है। ये उसके मुकाबले में क्योंकि गाय का है ना तो थोड़ा पतला है। जिनको सादा दूध पीने में बिल्कुल मजा नहीं आता जो मेरी तरह उनके लिए पतंजलि ने एक और चीज इंट्रोड्यूस करी है, वो है गाइज ये है
ठंडाई पाउडर जो मुझे पड़ा है पूरे के पूरे 190 रुपए का आधा किलो। और इसके अंदर देखो केसर है, बादाम है, पिस्ता है और स्वादिष्ट ठंडाई पाउडर है। तो इस पाउडर के अंदर सारी चीजें मिली हुई है। ये पाउडर अपने दूध में मिला लेती हूँ फिर तो मुझे स्वाद एकदम भरपूर आ ही जाएगा ना। ये देखिए ऐसे सैशे आया तो मुझे मतलब एक बॉटल भी लानी पड़ेगी इसको भरने के लिए। वैसे ही ना इलायची की तो बेहद 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 बढ़िया खुशबू आ रही है इसके अंदर से। हाय कितना, ये देखो कितना गजब का पाउडर दिख रहा है। एक और डाल देती हूँ, एक और डाल देती हूँ, आधा डाल देती हूँ। और ये मैंने तो बहुत सारा पाउडर गिरा दिया गाइस। घोटे जाओ। वैसे ठंडाई पाउडर बढ़िया है, इसमें तो आपको चीनी डालने की जरूरत ही नहीं है, ये ऑलरेडी मीठा 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 है। सो गाइस अब जब दूध का डब्बा खोला ही है तो मैंने सोचा क्यों ना मैं कॉर्नफ्लेक्स भी जो है खा ही लूं। तो यहाँ पे गाइस मेरे पास दो दो वैरायटी के पतंजलि के कॉर्नफ्लेक्स है। कॉर्नफ्लेक्स तो पहला है गाइस ये चोको फ्लेक्स जो मुझे कुछ कुछ चोकोस की तरह दिख रहा है। ये मुझे पड़ा है पूरा का पूरा 10 रुपए का। ये दिखने में भी ना एकदम चोकोस के जैसे ही दिख रहे हैं गाइस, बिल्कुल ही। वैसे इतने मीठे हैं ना आपको चीनी डालने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है इसके अंदर। काफी क्रंची क्रंची है। इन्होंने जो कॉपी करी है ना चोकोस की वो तो काफी हद तक कॉपी अच्छे से करी है, बट फिर भी मुझे जो चोकोस है ना उनमें चॉकलेट ज्यादा होती है, इसमें चीनी ज्यादा है गाइस, तो मुझे वो वाले ज्यादा अच्छे लगते हैं गाइस। दूसरे हैं वो हैं गाइस चोकोलिशियस चोकोफिल। चोकोफिल पी लो। हाय इसके अंदर तो चॉकलेट निकलेगी क्या? आपको क्या लगता है इसके अंदर चॉकलेट निकलेगी? ऐसे जमा हुआ गुट्टू निकलेगा, गुट्टू मुट्टू। हाय कितने छोटे छोटे क्यूट से ये ऐसे स्क्वायर्स बने हुए हैं। ओ माय गॉड इस छोटू छोटू से। गाइस चॉकलेट तो है पर इतनी कम है ना कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि इसके अंदर चॉकलेट है। ये तो मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगेगा। इन्होंने तो इतनी बड़ी फोटो बनाई है कि इतना सारा इसके अंदर से चॉकलेट निकलेगा और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ गाइस। सो गाइस अब बारी है पतंजलि की हनी ट्राई करने की। सो गाइस ये छोटी सी 100 ग्राम की हनी है जो मुझे पड़ी है पूरे के पूरे 60 रुपीज की। तो मतलब 100 ग्राम हनी 60 रुपए की, तो एक किलो तो गाइस 600 रुपए की। अरे बाप रे ये तो गाइस बहुत महंगी हनी है। ओ क्या बात है क्या बात है। निकलो। हनी तो गाइस हनी की तरह होती है, देयर इज मनी देयर इज हनी। सो गाइस चलो कोई बात नहीं, ये हनी ना एक्चुअली ठीक है, मीठी काफी ज्यादा है बट फिर भी बस ये महंगी जरूर लगी है। गाइस सर्दियों का मौसम चल रहा है तो सर्दियों में अक्सर वो तिल पट्टी गजक शजक सब आने लग जाती है मार्केट में। तो पतंजलि ने भी ना गजक गजक बनाई है गाइस। ये देखिए गुड़ बादाम पिस्ता पट्टी, ये गाइस मुझे डब्बा पड़ा पूरे के पूरे 140 रुपए का। आहा कितना शानदार पैकेजिंग, कितना इसको मैं पूरे के पूरे नंबर दूंगी, बहुत ही बढ़िया पैकेजिंग है इसकी। ये देखिए ये है इनकी गुड़ बादाम और पिस्ते की तिल पट्टी जो दिखने में तो ठीक दिख रही है। मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी है। ओके है। Now it's time to show some noodles. तो गाइस पतंजलि ने बना दिए हैं बहुत सारे नूडल्स। जो पहले पतंजलि नूडल्स बनाया करता था वो बनाए थे उन्होंने आटे के और जिसके अंदर पाम ऑयल भी नहीं होता था, बट अब पतंजलि बनाने लगे हैं मैदे के नूडल्स और इसके अंदर इन्होंने भी औरों की तरह डाल दिया पाम ऑयल। ये टेस्टी टेस्टी नूडल्स वाकई मैगी को बीट कर भी पाते हैं या नहीं? दिख तो वैसे गाइस मैगी के जैसे ही रहे हैं बट अभी देखना ये पड़ेगा कि टेस्ट में ये कैसे हैं। चलिए अब इनको देते हैं ढक और थोड़ी देर इनको उबालते हैं गर्मा गर्म पानी के अंदर। इनका मसाला भी आया है जो इन्होंने, वैसे मैं सब बताऊं कॉपी अच्छी करी है मैगी की इन्होंने। ये देखो एकदम येलो ग्रीनिश कलर का मसाला दिख रहा है मुझे तो। ओह सो गाइस मेरे पतंजलि के नूडल्स रेडी हो गए हैं। ये देखिए एकदम गजब के लहराते नूडल्स ये दिख रहे हैं। आई कैन बिलीव दिस एंड इवन यू कैन बिलीव दिस। इन्होंने ना ये एकदम मैगी को एकदम सही ढंग से कॉपी कर दिए गाइस। मैगी 14 रुपए की हो गई गाइस, ये नूडल 10 रुपए के, तो आई थिंक आई प्रेफर दिस क्योंकि इनमें और मैगी में कोई भी फर्क नहीं है यार। सो गाइस अब बारी है कुछ चाइनीज नूडल्स खाने की। सो पतंजलि ने निकाले हैं गाइस ये शेजवान नूडल्स। वाओ दिस इज अमेजिंग एंड ये नूडल्स मुझे पड़े पूरे के पूरे 15 रुपए के एंड इसके अंदर ये रेड चिलीज डाली है तो मुझे लगता है गाइस ये अच्छे खासे स्पाइसी शेजवान नूडल्स निकलने वाले हैं। तो ये देखिए गाइस इसके अंदर निकला है ये इतना बड़ा मसाले का सैशे। अब है गाइस मसाला डालने की बारी और जैसी मैंने सैशे ओपन करा ना एकदम तीखी वाली स्मेल आ रही है इसमें से। एकदम लाल लाल मसाला निकल के आया है गाइस।
सो गाइज माई शेजवान नूडल्स आर रेडी, सो जस्ट हैव अ लुक। ये देखिए एकदम लाल लाल नूडल्स बन के आए हैं ये गे। ये अच्छे खासे तीखे नूडल्स हैं। इसका मसाला ना बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। 10 रुपए वाले मसाला फ्लेवर वाले नूडल्स थे ना पतंजलि के, वो मुझे ज्यादा अच्छे लगे। पतंजलि का जो सस्ता सामान है ना वो एक्चुअली ज्यादा अच्छा होता है, और जो उनका महंगा सामान है ना वो थोड़ा कम अच्छा होता है, ऐसा मेरा मानना है। इट्स डिजर्ट टाइम गाइस। पतंजलि की ना मैं एक नहीं बल्कि दो दो डिजर्ट लेके आई हूँ। सबसे पहले ट्राई करेंगे इनकी ड्राई ड्राई डिजर्ट जो की है गाइस ये इलायची फ्लेवर की सोन पापड़ी। ओ माई गॉड, ये मुझे बड़ी पूरे के पूरे 65 रुपीज की। देखो इसके अंदर इन्होंने बादाम और पिस्ते तो ऊपर सजाए हैं, देखते हैं इसके अंदर भी ऐसे सजे धजे आते हैं कि नहीं। पैकेजिंग ना इनकी एकदम कमाल की होती है, ट्रैवल फ्रेंडली होती है, आप आराम से इनको ले जाके ट्रैवल भी कर सकते हैं। ये देखिए कितनी सुंदर मुंदर सी जो है सोहन पापड़ी निकल के आई, और इतना बड़ा पीस आ गया गाइस। गजब, ये सोन पापड़ी तो वाकई बहुत अच्छी है, और इसकी जो मिठास है ना वो भी एकदम एप्ट है। ऐसा नहीं कि इन्होंने चीनी घोल घोल के घोल घोल के घोल दिए, मुंह में जाते ही ना मैं सच बताऊं एकदम से घुल जाती है। तो इसको मैं दूंगी पूरे के पूरे नंबर। दूसरी डिजर्ट खाने की बारी जहाँ पे मेरे पास है गाइस, ये देखो मोटे मोटे गुलाब जामुन, और ये पूरा 1 किलो का डब्बा मुझे पड़ा है सिर्फ और सिर्फ 200 रुपए का। सो गाइस डब्बा जो है गुलाब जामुन का खुल चुका है, और ये देखो इतने सारे मोटे मोटे गुलाब जामुन इसके अंदर है गाइस। तो चलो अभी बड़ी हिफाजत से गाइस मैं एक एक गुल्ला अपने इस चम्मच के अंदर निकाल लेती हूँ। क्या बात है, ये तो दिखने में बड़ा गजब का लग रहा है। हाँ पूरा खा लूंगा। ये गुलाब जामुन बहुत ही गजब का है, मैं सच बताऊं इतना मुलायम है कि मुंह में जाते एकदम से घुसा जाता है। इस गुलाब जामुन के ऊपर ना वेनिला आइसक्रीम डाल के खाना बहुत 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 मजा आएगा गाइस, सच में बड़ा अमेजिंग था। इनकी डिजर्ट तो एकदम थम्स अप निकली गाइस। गाइस देखो खाना वाना तो है ना, हमने अपना भर पेट खा लिया है, अब बारी है इसको पचाने की। तो पतंजलि ने पचाने के लिए भी गाइस ये बनाई है पाचक अनारदाना गोली, जो मुझे पड़ी है पूरे के पूरे 45 रुपीज की। हाय कितनी बढ़िया गजब की ये गोलियां दिख रही है। देखो अनारदाना तो मुझे पर्सनली भी बहुत पसंद है, तो मैं एक दो ये पतंजलि का अनारदाना वाकई बहुत 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 अच्छा है गाइस। तो चलिए पतंजलि के प्रोडक्ट्स मुझे पर्सनली पसंद है, क्योंकि पहली बात तो वैल्यू फॉर मनी होते हैं, और इनके जो सस्ते प्रोडक्ट्स हैं वो मुझे सबसे ज्यादा अच्छे लगते हैं। तो आपका फेवरेट पतंजलि प्रोडक्ट कौन सा है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज के ब्लॉग को करती हूँ यहीं खत्म, और अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। अब मिलेंगे किसी और ब्लॉग में, टिल देन स्टे हैप्पी एंड कीप ग्लोइंग। बाय।